हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम दाल पकवान बनाएंगे। दाल पकवान बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप चना दाल और एक तिहाई कप अरहर की दाल लेंगे। हमने इन दोनों दालों को पहले ही एक से दो घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। देखिए, दोनों दाल फूल गई हैं। हमें चना दाल की क्वांटिटी अरहर की दाल से ज्यादा ही रखनी है। अब हम इन दोनों दालों को उबाल लेंगे, उसके लिए कुकर लेंगे और सारी दाल को उसमें डाल लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी उतना ही डालना है जिसमें सारी दाल अच्छे से डूब जाए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच हल्दी पाउडर डालकर कुकर को बंद कर देंगे। दो सीटी आने तक का इंतजार करेंगे, तब तक हम पकवान की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बाउल में एक कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच अजवाइन और करीब दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से गोद लेंगे। देखिए, मुट्ठी बनाने पर मैदा एकसार हो रहा है, इसका मतलब मैदा और तेल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गोद लेंगे। देखिए, आटा लग चुका है। अब इसको कपड़े से ढक देंगे। और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। कुकर में दो सीटी आ गई है, अब कुकर को भी खोलकर देख लेंगे। देखिए, दाल पक गई है। अगर आपकी दाल दो सीटी में नहीं पकती है तो आप एक और सीटी लगा सकते हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे।
अब इसमें चुटकी भर हींग, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो कटी हुई हरी मिर्च और एक कटा हुआ प्याज डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें 1 से 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट ना हो तो आप घर पर ही लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर इसमें डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से इसमें खुशबू काफी अच्छी आ रही है। अब इसको थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें तीखापन नहीं होता है, बस इससे कलर काफी अच्छा आता है। करीब 3 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रहे, हमने दाल को उबालते टाइम भी उसमें नमक डाला था, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। देखिए टमाटर पक गया है और ये हल्का गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच दाल साग का मसाला और 1 पैकेट मैगी मसाला डालेंगे। और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर पकने देंगे और फिर इसमें दाल डाल देंगे। कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, ज्यादा पतली या ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, हल्की सी थिक ही रहेगी। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। दाल बन गई है, अब गैस बंद कर देंगे। अब हम पकवान बनाएंगे। दाल तो बन गई है और करीब 10 मिनट भी हो गई है। अब हम उस आटे को देख लेते हैं। आटे को निकाल कर फिर से गूंथ लेंगे। हम इसको इसलिए गूंथते हैं ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा स्मूथ रहे। अब इसकी लोइयां तोड़ लेंगे।
कोशिश करिएगा सारी लोई एक ही साइज की बने। अब हम इसको बेल लेंगे। पतला ही बेलना है। अब फोक से इसमें होल कर लेंगे जिससे ये फूले ना। हमने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते टाइम हम इसको दबाते रहेंगे जिससे ये फूले ना। हमें इसे अच्छे से लाल होने तक फ्राई करना है। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। नींबू और धनिया से गार्निश कर लेंगे। दाल पकवान बनकर तैयार है। पकवान काफी क्रंची बने हैं और ये दाल के साथ काफी टेस्टी लगते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।